तो हेलो भाई, दिस इज इंशुल माल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बैठे हैं अपनी बलिनो में, और बलिनो का ये सीएनजी का जेटा मॉडल है, टॉप से नीचे वाला जो एक आता है, और उसमें जो है काफ़ी सारे जो आपको फीचर्स मिल जाते हैं सारे यूज़ के। और भाई सीएनजी में जो मैं आपको एक इसका मतलब रिव्यू दूँ ना, अगर जो मेन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई बहुत ही स्मूथ ये गाड़ी चलती है। बस कई बार जैसे क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने स्लोप पे जैसे चढ़ानी है घर के स्लोप पे, तो भाई थोड़ा सा जो है ये लोड तब लेती है, बाकी तो अगर आप रोड पे चलाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत स्मूथ चलती है। और मतलब मज़ा आया मुझे इस गाड़ी को चला के, मैंने करीब ये कल 50-60 किलोमीटर गाड़ी चलाई, और पहले भी चलाई हुई थी एक बार, तो मतलब मैंने इसको पर्सनली ऐसे एक्सपीरियंस करा ना, तो मेरे को जैसे कि मतलब मैं देखो डीजल की चलाता हूँ, ये गाड़ी अपनी स्कॉर्पियन खड़ी है, और ये तो पेट्रोल की है और वो डीजल है i20, तो मतलब दोनों में काफ़ी अच्छा पिकअप है। तो उस हिसाब से ना मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि भाई बिल्कुल ही कोई मरी गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि कंपनी फिटेड सीएनजी का ना ये फायदा होता है, आप देख सकते हो सीएनजी का वो टैग लगा हुआ है उधर। तो और जो मैं आपको इसका दिखाता हूँ ना, जैसे और देखो बलिनो में क्या है, जैसे मैं क्लच प्रेस करूँगा वहाँ लिखा आ जाएगा पुश स्टार्ट बटन, ताकि जो बंदे को पता ना हो कैसे स्टार्ट होनी उसको पता लग जाए। देखो अब जैसे हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर पेट्रोल लिखा आ रहा है, आप देखो ब्लिंक कर रहा है, तो इस टाइम अभी पेट्रोल पे स्टार्ट होती है। और ये इधर इसका सीएनजी का मीटर है, ठीक है, जो भी है, और ये इधर पेट्रोल का है। देखो अभी पेट्रोल पे है ना, ऑटोमेटिकली जो है सीएनजी पे स्विच कर जाएगी थोड़ी देर बाद, देखो कर गई एकदम टक्का आ जाते हैं ऊपर, देखो सीएनजी लगा आ गया ग्रीन से, अभी सीएनजी पे हो गया। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे जो है एक बटन दिया गया है, इसको आप देखो पेट्रोल से अगर सीएनजी पे ले जाना हो, सीएनजी से पेट्रोल पे लेके जाना हो, तो देखो जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, देखो उधर पेट्रोल पे हो गई है, और जैसे ही हम इसको दोबारा करेंगे ये दोबारा से जो है सीएनजी पे लग गई है। तो भाई काफ़ी सही वो दिया, कंपनी फिटेड सीएनजी का ना मज़ा अलग ही है, और बाकी बाहर के जो स्विच होते हैं ना वो तो बेकार ही होते हैं यार, कुछ मज़ा नहीं आता उसमें, और उस सीएनजी में मज़ा नहीं आता। इधर इसका पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑफ का, ये सीएनजी का मैंने आपको बता दी, चेंज करने का फ्यूल चेंज करने का, ये फॉग लैम्प का है, और ये हेडलाइट लेवलर है, और इसका फ्यूल का जो टैंक होता है ना वो खोलने के लिए यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे जो है बोर्ड का दिया हुआ है। तो भाई इतना ही है कुछ इस वीडियो में, इतने रखते हैं रिव्यू, बाकी मैं इसको चला के भी दिखा दूँगा आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच।